आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और कोरोना वायरस कितना बड़ा बीमारी है इसके बारे में बताऊंगा, और करना क्या है मैं वो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप सभी मास्क पहन लो, सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, ये सब सभी बोल रहे हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूँ। याद रखना पहला बात, ये तो पहले हमारे लिए प्राउड की बात है। भैया आप बोलेंगे गर्व की बात कैसे है भैया, देखो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 2 नंबर पर पॉपुलेशन जनसंख्या के मामले में है। इतना आबादी होने के बाद भी हमारे देश में इतने तेजी से ये बीमारी नहीं फैल रहा है, तो आप इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं, रोक सकते हैं हम आप सभी मिलकर। अब आज की डेट में ना हम सभी को क्या बनना है, इस देश का जवान बनना है। सिर्फ आर्मी में काम करने का मतलब नहीं है कि हम आर्मी में काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। आज देश को हर एक नागरिक का जरूरत है। हमारे देश के पीएम इतना आप सभी को अलर्ट कर रहे हैं, तो आप सभी की जिम्मेवारी बन रही है। थोड़ा सा चूक पूरा देश को बर्बाद कर सकता है, पूरा देश मतलब पूरा देश। क्या बात कर रहे हैं भैया, ध्यान से सुनो करना क्या है। मान लो अगर ये बारूद है ना, ये बारूद ऐसे करते करते पूरा देश बना है, अगर इस बारूद में आग लगाओगे ना तो पूरा बारूद पूरे देश को बर्बाद करेगा। अगर आपको इसको इस बीमारी को बहुत नजदीक से देखना है ना, इटली ईरान देख लो कितना बुरा कंडीशन है। ट्रेन सब बंद है। आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप सभी वीडियो को शेयर करो, बताओ मम्मी पापा को। एक्चुअल में क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो नॉर्मल चीज आप सभी कर क्या सकते हैं। ये बीमारी जो है किसके ऊपर ज्यादा अटैक कर रही है, ये अटैक कर रही है जो बुजुर्ग आदमी है 55-60 साल के, या बच्चों लोगों के ऊपर। तो बच्चों को तो हम घर में कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मम्मी पापा भाई जो कमा रहे हैं, जिनके ऊपर पूरा घर का बोझ है, कंधे पर पूरा बोझ है, वो तो बोलेंगे काम करना जरूरी है अगर घर चलाना है तो। वो नहीं मानेंगे आप जितना भी समझाओ उनको, बस इतना सा आपको बात बोलना है। और सबको बोलना है अपने परिवार में, हर एक मम्मी पापा को प्यार से बोलना, शर्माना मत। एक्चुअली बहुत जन क्या होते हैं, पापा से बोल नहीं पाते, शर्माते हैं। यार मत शर्माओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी जब कंडीशन बिगड़ेगा तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको बस इतना बोलना है कि पापा मम्मी भैया चाचा आप लोग बाहर मत जाइए काम करने, तो वो बोलेंगे अरे कुछ नहीं होगा नॉर्मल, लाइटली ले रहे हैं। ये बीमारी बहुत कितना गंदा है, आप सोशल मीडिया में चेक कर लेना, इटली ईरान कंडीशन देख लेना, लोग कितना पागल हो गए, मर रहे हैं लोग, लाश भी गिर रही है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको बस उनको इतना बोलना है कि आपको बाहर नहीं जाना है, इस बीमारी के बारे में बताना है। अगर फिर भी वो ना सुने तो आपको बस इतना काम करना है ना, आपको ये बताना है कि आप मान लो आप हमारे बारे में सोच रहे हैं कि पैसा आएगा काम करेंगे, अगर कहीं ना अगर आप इसके चपेट में आ गए तो आप अगर घर आएंगे, अगर आप घर आते हैं तो आपके साथ साथ आपके बीबी बच्चा सब इसके चपेट में आएंगे। आप चाहते हैं कि हम लोगों का भी जिंदगी इसके चपेट में आए, आप सोचो एक बार, पापा मम्मी आप एक बार सोचो, अगर खुदा ना खास्ता आपको हो गया और आप घर आएंगे तो आपकी वजह से पूरा परिवार, आप सोचो आप हमारे लिए बाहर जा रहे काम करने, लेकिन आप हमारी जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं बिना शर्माए हुए। ठीक है, और एक बात सोचो, अगर बीमारी चपेट में आ गई फिर कितने गरीब लोग मरेंगे जिनके पास पैसा नहीं है, सरकार कितना करेगी, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो ये हर एक नागरिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अभी बहुत जन लाइटली लेंगे, बाहर घूम रहे ये कर, रोको, आप समझाओ उनको। जब सरकार इतना अलर्ट पर है, हमारे देश के पीएम बोल रहे हैं, तो आप समझो इस चीज को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। अभी हम लोगों को ना इस देश का सोल्जर बनना है, सोल्जर मतलब आर्मी, बस सेना में काम करना मतलब वो आर्मी नहीं है। अभी देश को ना हर एक नागरिक को अब देश का जवान सोल्जर बनकर देश की रक्षा करना है। अगर जिस दिन हम लोग ये सब कंट्रोल कर लिए ना, बस इंडिया नहीं पूरा देश पूरा वर्ल्ड हम लोगों को सैल्यूट करेगा। हम लोग आर्मी को सैल्यूट करते हैं ना, कोई अच्छा काम करते हैं तो हम लोग बोलते हैं सैल्यूट सर, एक दिन तिरंगे का फोटो लगाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हम इंडियन है। वो करने का टाइम, वो दिखावा करने का टाइम चला गया, अभी करने का टाइम है, अभी जो टाइम है वो करने का है। हमें सच में प्रूफ करना है कि हम इंडियन है। अगर जिस दिन हम ऐसा कर देंगे पूरा देश हम लोगों को सैल्यूट करेगा। कुछ करना नहीं है, देखो कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है।
अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बिगड़ गया है। आप बोलेंगे भैया इकोनॉमिक पूरा गिर जाए अगर काम नहीं करेंगे, अरे इकोनॉमिक संभाल लेंगे हम सभी, हम लोग इतने पावरफुल कंट्री है, हमारा देश इतना पर्याप्त है हमारे पास कि हम इकोनॉमिक संभाल सकते हैं, हम लोग कोई कमजोर कंट्री नहीं है इकोनॉमिक के मामले में, बहुत पावरफुल है, हम लोग इकोनॉमिक संभाल लेंगे। लेकिन अगर एक बार लाश की ढेर लगने लगी, जैसा इटली, चाइना, अमेरिका, चाइना अपना सब कुछ छुपा रहा है, आज के डेट में कितना मौत हो रहा है आप उसके बारे में जानकारी भी नहीं लगा सकते, पूरा चाइना अपना जो भी मौत हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसका डाटा छुपा रहा है। इटली का देख लो, ईरान का देख लो, लोग पागल हैं, लाश का ढेर लग गया है। अगर वैसा कंडीशन देश में हो गया ना, तो बचाना देश को बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपको कुछ नहीं, अभी मैं बोला रोनता पूरा खड़ा हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना सा काम करना है। आप सभी पढ़े लिखे हैं, व्हाट्सअप फेसबुक में पागलपन, बहुत लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका बस इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर के मम्मी पापा को समझाइए। नहीं समझेंगे तो ये बोलो, पापा आप सभी चाहते हैं कि आपका बेटा बेटी ये लोग मर जाएं, आप हम लोगों का बॉडी देख पाएंगे अपने आंख के सामने, अगर कुछ हो गया तो आप हमारे लिए जा रहे हैं, और आपको कुछ हो गया तो आपके वजह से हम लोगों पर आएगा, ऐसे समझाओ उल्टा, ताकि उनके दिमाग को वास करो, ताकि ये समझाओ कि आप हमसे प्यार करते हैं, ठीक है। और साथ साथ सभी को समझाओ, यहां पर बहुत लोग तो धंधा कर रहे हैं, यहां पर मैं खुद देख रहा हूं, पर्सनली देख रहा हूं कितना कंडीशन बुरा है, आप सभी समझ भी नहीं सकते। ऑनलाइन अमेजन पर आटा वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत खराब कंडीशन। अभी भी इंडिया बहुत कंट्रोल में, बहुत मतलब बहुत कंट्रोल में है, बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। ये बीमारी के बारे में आप नहीं समझ पा रहे कितना डेंजरस ये बीमारी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आज की वीडियो मैंने क्या बताया आप सभी को, कुछ करना है क्या, ऐसा मैंने कुछ बोला क्या कि आप हाथ धो या मास्क पहनो, ये सभी बता चुके हैं आपको मैंने, बस क्या बताया एक मैसेज बताया, दो मैसेज। एक तो आज आपको सही मायने में दिखाना है कि आप तिरंगे से बहुत प्यार करते हैं, पहला बात। वो फेसबुक में स्टेटस 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, वो स्टेटस से काम नहीं चलेगा, पहला। वो सब दिखावा है, मान लो आज के दिन आपको रियल में आज हमारे तिरंगे के साथ खड़ा होना है, पहला बात। ऐसा काम करना है ताकि पूरा देश खड़ा होकर हम लोगों को सैल्यूट कर पाए। इंडिया इतना बड़ा कंट्री, लेकिन वहां के लोग इतने जागरूक है कि पूरा देश बच गया, कुछ हुआ ही नहीं, और कुछ करना नहीं है, पहला। ऐसा करना है कि पूरा देश आपके ऊपर फख्र करे। दूसरा आपको काम क्या करना है, जो मैंने समझाया उल्टे तरीके से अपने मम्मी पापा जो काम करने जा रहे उनको समझाओ ताकि सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। सरकार भी अपनी तरफ से बहुत काम कर रही है, राज्य सरकार भी काम कर रही है, एक बार सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए फिर आप काम करिए ना। आप समझो कितना बड़ा केस बन सकता है, आप सभी कुछ नहीं करना है, बस दो चीज मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताया है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देश बचेगा तभी हम सभी कुछ कर सकते हैं, वरना एक बार कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, लाइटली मत लेना। बहुत जन कुछ नहीं होगा, बहुत जन घूम रहे अरे कुछ नहीं होगा ये वो, कुछ नहीं होगा बोलने से नहीं है, बीमारी बिना बुलाए आती है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और मैं आपको इतने अच्छे से समझा रहा हूं इस बीमारी के बारे में, ये एक बारूद की तरह है, और हमारा पूरा जो देश की नागरिक है ना, वो बारूद है, वो पूरे बारूद है, पूरा बारूद है। अगर एक को आग लगा तो आग फैलने में टाइम नहीं लगेगा, ये बीमारी यही है, इस बीमारी को समझो, यही है आपका कोरोना वायरस, यही है कोरोना वायरस। एक तिल्ली में अगर आग लगा एक बारूद में, तो ये बारूद पागल की तरफ फैल रहा है। फिर अगर इकोनॉमिक का चिंता आज कर रहे हैं, तो उस समय तो इकोनॉमिक संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप पढ़े लिखे हैं, इसीलिए मैं इस चैनल से ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज आप सभी को समझाओ, अपने घर को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, कुछ नहीं करना है भैया। अगर आप ये हाथ वाथ कुछ नहीं धोएंगे, कुछ नहीं होगा, मत करो, घर में आप नॉर्मल रहो। ये बीमारी किसको पकड़ रहा है, जिसको है उसके कॉन्टेक्ट में आ रहे तब ये बीमारी फैल रहा है। तो ये बीमारी ज्यादा ना फैले, जितने कुछ लोगों तक इंडिया में फैला है उनको एक बार रिकवर कर लिया जाएगा, फिर आप घूमिए। सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, ठीक है। और एक बात, अगर आज के डेट में क्या हो रहा है, एक काम आप और कर सकते हैं देश को दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे देश के जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेस हैं, वो लोग बहुत काम कर रहे हैं, जो सैनिटाइजर वगैरह मार रहे, स्प्रे मार रहे हैं,
जो वर्कर वो बहुत काम कर रहे हैं इन सब चीज के लिए। तो सोशल मीडिया पर फालतू चीज शेयर ना कर मैं देखता हूं बहुत जन जोक शेयर करता है, कॉमेडी वीडियो शेयर करता है, वो चीज शेयर ना कर ना एक डॉक्टर का कोरोना वायरस के ऊपर सही जानकारी, डराना नहीं किसी को, सही जानकारी अगर शेयर करेंगे तो ये भी आपका कम से कम एक जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने का एक निशानी है। अंदर से खुशी मिलेगा अगर आप ये सब काम करेंगे ऐसे मौके पर। तब बस इंडिया के नागरिक है वंदे मातरम तिरंगा दिखाने से काम नहीं चलेगा, आज आपको प्रूफ करना पड़ेगा एज अ इंडियन कि हम देश के नागरिक हैं, हम देश के लिए आज लड़ने देश के साथ खड़े हैं, देश को बचाने में मेरा भी हाथ है। हर एक नागरिक का आज जरूरत है। इंडिया की आबादी कितनी है? 130 करोड़, और 130 करोड़ आदमी को आज आर्मी बनना पड़ेगा ताकि हमारा तिरंगा बच पाए, ताकि पूरा देश सैल्यूट कर पाए। ये आपको सोचना पड़ेगा। बहुत डीपली मैसेज दिए हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोले हैं, कुछ नहीं होगा। पैसा के बारे में सोचेंगे देश बर्बाद हो जाएगा। आज बहुत लोग गंदा बिजनेस कर रहे हैं। मास्क आप सभी को पता है, जो मास्क पहनते हैं ना उसका दाम कितना है? 20-22 रुपया दाम है। उस मास्क का दाम 390-400 रुपया, 450 रुपया तक चला गया है। और आप सभी को लग रहा है वो मास्क पहनकर अगर रोड में जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्या समझते हैं आप सभी? वो बहुत गलत चीज है। जब देश के पीएम आगे आकर बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि आप घर में रहो, इंडिया का इकोनॉमी गिरेगा तो फिर से उठा सकते हैं, इंडिया इतना कैपेबल है, तो रहो ना घर में। घर में अगर एक लोग को कुछ हो गया ना तो पूरा परिवार चपेट में आएगा। जब पूरा परिवार चपेट में आएगा उस दिन ना आप दूसरे को समझाएंगे कि आप मत करो। आज मैं आपको समझा रहा हूं कि आप ऐसा काम मत करिए, बिल्कुल देश आपके हाथ में है। बोलते हैं ना देश का इज्जत हर एक नागरिक के हाथ में, वही आज सिचुएशन है। आपको अपना देश का इज्जत बचाना है ताकि इन फ्यूचर वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO ये सब सैल्यूट कर पाए पूरे इंडिया को कि ऐसा कंडीशन होने के बाद भी पैंडेमिक यानी महामारी घोषित कर दिया गया WHO की तरफ से इस वायरस को। समझ रहे हैं कितना बुरा कंडीशन है? तो वो लोग तारीफ करेगा, इतना पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा खतरा हमारे भारत में, सबसे ज्यादा आबादी है, समझ रहे हैं कैसे फैल सकता है? लेकिन इसको आप सभी बचा सकते हैं, हम सभी मिलकर बचा सकते हैं। और ज्यादा मैसेज मैंने कुछ नहीं दिया है वीडियो में, मास्क पहनो, ये बस नॉर्मल सा तरीका बताया है, अपने घर के लोगों को समझाइए कुछ नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अपना सुरक्षा अपने हाथ में, अपनी परिवार की जिम्मेवारी, ज्यादा नहीं सोचना, बस अपने परिवार के बारे में सोचो। एक कड़ी बनते बनते पूरा देश बच जाएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, अपने परिवार को समझाइए, आप पढ़े लिखे हैं उनको कैसे समझाना है, मैंने ये चीज भी आपको अभी बताया है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, चलिए।